नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी पुलिस अधीक्षक सुनील जैन ने ठाना है कटनी जिले से नशा कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकने के दृढ़ संकल्प के साथ लगातार गांजा माफिया के खिलाफ मुहिम चलाकर नशा मुक्त करने के अभियान पर काम करती कटनी पुलिस को गांजा के बड़े खेप को तस्कर से बरामद किया जो उड़ीसा से लेकर कटनी तक पहुंचे, जहां न्यू कटनी पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा। गांजा तस्कर बकायदा लक्जरी कार स्कोडा में सवार होकर 90 किलो गांजा को खपाने के जुगत में लगे रहे, जो पुलिस के बिछाए जाल में फंस गए और बकायदा दो आरोपियों को स्कोडा कार में 90 किलो रखे गांजा को जब्ती कार्यवाही किया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गांजा की कीमत 1,00,000 रुपये किलो बताई जा रही है, जिसे आरोपी 15,000 से 20,000 प्रति किलो भाव बेच देते हैं। ये दोनों आरोपी लोकल कटनी के ही निवासी है, जिनके नाम महेंद्र आदिवासी, दीपक राय 20 से 25 वर्षीय युवक है, स्कोडा कार क्रमांक HR26BX7256 सहित गिरफ्तार हुए है। पुलिस कार को राजसात कर NDSPS एक्ट के तहत आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी। संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी, कटनी। आज कटनी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कटनी जिले का मेन गांजा तस्कर को मैं स्कोडा गाड़ी के NKJ पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। 89.5 kg गांजा पुलिस को जब तलाशी ली गई गाड़ी की तो प्राप्त हुआ। इसमें दो लोग आरोपी बने हैं, एक गाड़ी चला रहा था और एक उसके साथ पीछे सीट पर बैठा हुआ था। जब हम लोगों ने बीच में पुलिस के द्वारा जब कार्रवाइयाँ की गई थी गांजे के ऊपर, तब हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ का मेन तस्कर कौन है गांजे का, जो कि लोकल में सप्लाई करता है। उस दिन से हम इसके ऊपर निगाह रखे हुए थे और निगाह रखते रखते कल NKJ पुलिस को उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। सर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत क्या होती है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत इसकी 1,00,000 रुपये पर केजी के हिसाब से होती है। और पर जब हम लोगों ने इससे पूछताछ की तो इसका ये कहना है कि हम लोग 15,000 से 20,000 रुपये जिस तरह से भी ग्राहक सेट हो जाता है उस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं गांजे को। सर, एक बड़ी बात सामने आ रही है कि उड़ीसा से MP में आना और MP की कटनी में आपने पकड़ा, तो इतने बीच में कई नाके पार किए गए, क्या उनको बनक नहीं लगे? हाँ, मुझे लगता है क्योंकि गाड़ी स्कोडा गाड़ी थी और जनरली स्कोडा गाड़ी में हो सकता है कि चेकिंग ना हुई हो और इसलिए वहाँ से ये बच के आया हो और इसने हो सकता है कुछ नाकों को एग्जम भी किया हो, चोर रास्तों से भी आया हो, पर लेकिन अल्टीमेटली सफलता कटनी पुलिस को ही। तो ये पूरा जो पकड़ा गया है, मतलब मुखबरी के द्वारा जानकारी मिली होगी आप लोग? नहीं, हम लोग सर्विलांस, हम लोग इस पे नज़र रखे हुए थे कि भाई जब हम लोगों ने छोटे छोटे लोगों को पकड़ा था यहाँ पे कटनी के, क्योंकि मेरी एक मुहिम चल रही है कि भाई गांजे से इस कटनी जिले को फ्री किया जाए, क्योंकि छोटे बच्चों के ऊपर, परिवारजनों के ऊपर गांजे की बहुत सारी शिकायतें आई थी मेरे पास जब मैं ज्वाइन किया था। तो मेरी एक मुहिम चल रही है कि भाई गांजे के ऊपर सख्ती से कार्रवाइयाँ की जाएँ। उसी तारतम्य में मैं चाहता था कि एक बड़ी कार्रवाई की जाए जो कि गांजा यहाँ का लोकल का सप्लाई करता हो, जो इन छोटे लोगों को, उसमें फिर हम लोगों को ये सफलता प्राप्त हुई। तो इसको किस अधिनियम कार्रवाई की जा रही है? NDPS के अंतर्गत। तो लागत कितनी होगी जब्ती माल की? जब्ती माल की अभी तो